तो फाइनली बजाज कंपनी ने बजाज चेतक प्रीमियम 2024 मॉडल के साथ लॉन्च कर दिया है। तो इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसकी प्राइसिंग रखी गई है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑफिशियल तरीके से इसको अब लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसके पहले वीडियो मैंने सारी आपको जानकारी दे दिया था, लेकिन जो ऑफिशियल तरीके से जो इसके स्पेसिफिकेशन बताए गए हैं, कौन कौन से वेरियंट मिल जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि जो बजाज चेतक प्रीमियम 2024 मॉडल के साथ लॉन्च हुई है, इसमें आपको तीन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे ब्रोकलिन ब्लैक, हेजलनट और इंडिगो ब्लू आपको तीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये आपको दो वेरिएंट के साथ मिलेगी, एक आपको स्टैंडर्ड और दूसरा आपको टेक पैक के साथ मिलेगा। टेक पैक का मतलब यह है कि वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फीचर मिल जाएगा और राइडिंग मोड्स आपको दो मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लेंगे तो वहाँ पे केवल इको मोड मिलता है, लेकिन अगर आप टेक पैक के साथ लेते हैं तो वहाँ पे इको और स्पोर्ट दो राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली यही डिफरेंस आपको मिल जाता है दोनों मॉडल्स में। बाकी जो बदलाव हुए हैं, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको जानकारी दे दिया था कि यहाँ पे जो क्रोम एलिमेंट पहले मिलते थे वो क्रोम एलिमेंट यहाँ से हटा दिए गए हैं, जैसे कि हेड के ऊपर, टर्न इंडिकेटर के पास, ये सारी चीज पहले यहाँ पे क्रोम की गार्निश पहले दी जाती थी, लेकिन अब मैट कलर के साथ दे दिया गया है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे लुक में किया गया है। दूसरे अपडेट की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें आपको कलर विविड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले की डिजाइनिंग देख सकते हैं, जो कि ये ऐप कनेक्टिविटी के साथ आपको ऑप्शनल मिलेगी। अगर आप ऐप कनेक्टिविटी के साथ लेते हैं तो इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये नया डिस्प्ले आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन जैसे कि स्पीड, ट्रिप, ऑडोमीटर, ये सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा इसमें राइडिंग मोड आपको दो मिल जाते हैं, ईको और स्पोर्ट। वहीं इसमें रिवर्स मोड भी दिया गया, स्कूटर को पीछे की तरह आप यूज कर सकते हैं, पार्किंग समय काफी काम आता है। इसके अलावा इसमें आपको हील होल्ड का फीचर भी अब देखने को मिल जाता है, यानी कोई भी ऊंचाई वाली जगह जाते हैं तो बिना ब्रेक लगाए स्कूटर को वहां पे रोक सकते हैं, तो ये फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको ऑनबोर्ड चार्जर मिल जाता है। वहीं इसमें की फोब दिया गया है, जिससे कि 30 मीटर के रेडियस में आप अपने स्कूटर को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये भी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसके रेंज की अगर बात करें तो इसकी जो IDC रेंज है 127 किलोमीटर पर चार्ज की है। इसकी जो बैटरी है चार्ज होने में लगभग 4 आवर्स 30 मिनट का समय लेती है, यानी कि 4.5 घंटा में चार्ज करके अब इसको 127 किलोमीटर चला सकते हैं। बाकी इसकी जो टॉप स्पीड है 73 kmph तक रखी गई है। वह इसके वारंटी की अगर बात करें तो 50,000 किलोमीटर या फिर 3 इयर्स जो पहले आ जाए उस पे आपको बैटरी पे यहाँ पे आपको वारंटी मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स आपको 2024 मॉडल बजाज चेतक प्रीमियम में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी जो बूट स्पेस है पहले से थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, जहाँ पे आप थोड़े से ज्यादा सामान रख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर्स दिया गया है वो भी यहाँ पे आप कलर्ड आपको देखने को मिल जाती है, तो ये भी एक आपको चेंजेस मिल जाएगी। बाकी प्राइसिंग की बात करें किस प्राइस रेंज में इसको लॉन्च की गई है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है, दो वेरिएंट के साथ लॉन्च हुई है। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल के साथ लेंगे प्रीमियम 2024 मॉडल बजाज चेतक, तो इसकी एक्सम प्राइस 1,35,463 यानी कि 1,35,463 रुपए तक है। लेकिन अगर आप टेक पैक के साथ लेते हैं यानी कि कनेक्टिविटी फीचर के साथ लेते हैं 1,44,463 यानी कि 1,44,463 रुपए तक यहाँ पे एक्सरूम प्राइस आपको देखने को मिल जाती है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कनेक्टिविटी फीचर के साथ चाहिए या फिर केवल स्कूटर आपको चाहिए जहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर से आपको मतलब नहीं है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं, प्राइस उतना कम ज्यादा हो जाता है। तो 2024 मॉडल बजाज कंपनी के चेतक आपको इस नए फीचर के साथ, इस नए कलर डिस्प्ले के साथ, इस प्राइसिंग में आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।